बेटा 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 बेटा, उस लड़की के लिए तेरी नफरत देख के मैं सब समझ गई। तुझे वो लड़की ना मिली तो तुझे चैन मिल जाएगा, लेकिन लेकिन मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्योंकि बेटा, क्योंकि मैं उस लड़की को इस घर की बहू मान चुकी हूँ बेटा, मेरे मान चुकी हूँ। माई, माई, क्या हुआ माई? बेटा, माई, मेरे मेरे माई, माई क्या हुआ माई? बेटा, माई क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है माई। बेटा चलो माई, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चलो जल्दी। मुनीम जी, जगह के का हुआ? समझ लीजिए बबुआ जी, हो गया सरकार। कसम चाकू की धार की सरकार, वो निरहुआ के माई के दौरा पड़ा है। का कह रहे? हाँ अजय। हाँ भैया। गाड़ी निकाल, लगता है कि बहन की डोली उठावे से पहले ओकरे आशिक के जनाजा उठाना ही पड़ेगा। चलो। देखो निरहु, तुम्हारी माँ के ये दूसरा हार्ट अटैक है, अब उनके दिमाग में कोई भी टेंशन वाली बात आई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, यह बात का ध्यान रखना। समझ गया ना? ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी मां से मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना। हाँ जाओ मिल लो। माई कैसी तबीयत है? माई बेटा मेरी तबीयत को छोड़ो, पहले ये बताओ कि पाखी मेरी बहू काहे नहीं बनेगी? बनेगी माई, काहे नहीं बनेगी? आज ना खरेल जी को बात समझ में नहीं आई है, कल जब उनके समझ में आएगा ना तब वो पाखी और हमको मिला देंगे माई। अब मेरी जान में जान आ गई, अब मेरे निरहु के प्रेम का मान रह गया। माई आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। हम आते हैं माई। अच्छा बेटा, हम आते हैं, चलिए। बेटवा बड़ा हरामी और झूठा है। बहनोई को हरामी कह रहे हो? बाप को दोगला कहते हो क्या? दोगला और हरामी वो होता है जो अपना महतारी को झूठ बोल के सपना दिखाता है। हमारी बहन ने तुम्हारे बेटे से शादी के लिए इनकार कर दिया है। इनकार करने का मतलब तेरे बेटे के मुंह में थूक दिया है, उस थूक को आप चंदन बना के माथे पे लगा ले। फिर सोचना, ये तो हर बेटवा हरामी है, ये दोगला। हाँ, इतना सुनने के बाद भी अगर जान बच जाए तो हमारी बहन की शादी में भोज खाने आ जाना। काहे कि हमारा बहनोई तुम्हारा बेटा नहीं, एसपी खरोल जी बनने वाले हैं। ये मिठाई है, चल रहा बनना। तो भाई चलो चलो। डॉक्टर साहब नहीं, मैंने बुलाया है तुझे। तूने झूठ बोला अपनी माँ की जान बचाने के लिए, और हमने सच बोल दिया तेरी माँ की जान लेने के लिए। अगर हमारी माई को कुछ हुआ ना तो तेरी जान निकाल कर जमीन के इतना नीचे गाड़ देंगे
कि उसे खोजने में काल की भी जान चली जाएगी। ए, तूने मेरी बहन के जिगर पे हाथ डाला और मैंने तेरी माँ के जान पे हाथ डाल दिया। हिसाब किताब बराबर, बस तुमसे हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, इसका हिसाब हम करेंगे। कहे कि माई से बढ़कर जोरू कभी नहीं होती है, याद रखना। रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। माई, 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 तुम ठीक तो हो ना? तोहके कुछ नहीं होगा, हम डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। तेरे इंतजार में अपनी सांसें रोक के रखी है मैंने, बात कहने तक इस जान को जाने नहीं दूंगी। ना 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 रे माई, तोहके कुछ नहीं होने देंगे, हम तोहके कुछ नहीं होने देंगे माई। जीना मरना तो होता रहेगा बेटा, होता रहेगा, पर मेरी पाखी जब तक मेरे घर की बहू नहीं बनेगी तब तक मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। वो लड़की जब तक मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। माई, 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 माई। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ नीरू, भले जी नहीं पाऊं पर मरने से पीछे नहीं हटूंगी। आज तुम्हें अपनी पाखी की कसम, आज तुम्हें अपनी पाखी की कसम, आज अगर तुम नहीं उठे तो मैं सोचूंगी कि मैंने प्यार किसी मर्द से नहीं मौका से किया है। पाखी नहीं, पाखी जी कहो, पाखी नहीं, पाखी जी कहो। माई, तू मेरे शादी के लिए क्यों परेशान रहती है? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। नहीं, तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो जवान से भी आगे जा रहे हो बेटा। हे ज्योतिया माई, मेरे बेटे की जिंदगी में हमेशा खुशियां रखना माई, उसे कभी कोई तकलीफ ना हो माँ। बेटा जीते रहो, ये लो प्रसाद। नहीं बेटा, आज मैं भूखी रहूंगी, आज ज्योतिया माई का व्रत है। माई, तू मेरे लिए इतना चिंता क्यों करती है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। रही हम खुशहाल हो,
रखे सलामत हरदम, रखे भगवान हो तुहरा के सलामत हरदम, रखे भगवान हो तुहरे से बाते माई हमारी जहान हो, तुहरे से बाते माई हमारी जहान हो, पूरा करब हम जल्दी हो, पूरा करब हम जल्दी तोहर अरमान हो, तोहरे से बाते माई हमारी जहान हो, तोहरे से बाते माई हमारी जहान हो। बेटा बेटा, अगर तू अपने दिल से उस लड़की को नहीं निकालेगा ना, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। ए माई, तू ही तो कहती है ना कि विश्वास पत्थर में भगवान पैदा कर देता है। हाँ, हम उसी विश्वास से कहते हैं माई कि हमारी पाखी जरूर आएगी, वो अपने बचपन के प्यार को जरूर पहचान जाएगी। माई, आ जाने दे उसको नाल सिंह को, बड़ा एसपी बना फिरता है ना, उसको तो ऐसा कुचलूंगा, ऐसा कुचलूंगा कि उसका कचूमर निकल जाएगा। क्या रे कन्हैया, नेता यानी बेटा और वर्दी यानी हरदी। धीरे बोलिए, नहीं तो पकड़ लेगा सर्दी। हट, मेरा कचूमर निकालेगा। उठ, उठ। वर्दी का मतलब बहादुर शेर। माफ कीजिएगा सत्य प्रकाश जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। लड़की तो मुझे पसंद है, रिश्ता क्यों ना करे। लेकिन मुझे नहीं, चलो बताइए तो सही। अरे सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आंख मारने वाली लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। बनेगी बनेगी बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आंख उस लड़की ने नहीं आप ही ने मारी होगी। तुम्हें कैसे पता माँ? इतना दिन में कुछ नहीं समझी हो, लेकिन इतना तो जान गई हूँ कि लड़की को देख के इनको क्या क्या होता है। देखो खरेल, ये बात कर रही है, मैंने बोल दिया शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर वहाँ पे शादी नहीं करवाई ना, तो सोच लीजिएगा कि मैं क्या करूँगी। अरे क्या करोगी? अभी बताती हूँ। अरे देखो खरे, कहीं जहर वर खा के मर गई ना, तो मेरा क्या होगा? कहाँ जा रही है? माइके। अरे सुनो अब, लेकिन हमारा काम कैसे चलेगा भौजी? माँ भूख लगी है, तू चली जाएगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? ठीक है, मैं नरमुंडा स्वामी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। कुछ अंदर की बातें आपको बताऊंगा या आप खुश हो जाएंगे। चलिए इन्हीं लोगों से शुरू करते हैं। ये है सटल बाबा, जो हटे हुए दिलों को सटाने का काम करते हैं। ग्राहक नहीं मिलने से परेशान है बेचारे, लगता है प्रभु ने आज इनकी सुन ली। चिंता मत कीजिए सरकार, बड़ा चटकदार ग्राहक आ रहा है। आप आसन लगाइए, मैं ग्राहक पटा के लाता हूँ। भाभी जी देवर से सट सट के परेशान हो गई है। इधर आओ बच्चा, देवरानी ढूंढ रही है देवर को सटाने के लिए। प्रणाम महाराज। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। क्या बच्चा, क्या कष्ट है बच्चा? महाराज, पति और देवर के चक्कर में घर के काम कर करके परेशान हो गई हूँ, पर देवरानी लाने का नाम ही नहीं लेते वो लोग। लड़की तो पसंद कर ली है, लेकिन शादी का दिन उतार ही नहीं रहे। बच्चा, दिन उतारेगा वो, लेकिन तुझे कुछ करना पड़ेगा।
जी दूज बाटे अभी दिल्ली तो हरा में बाटे जवन के घूमे न मिले बच्चा अब क्या कष्ट है बच्चा महाराज आपने जो बताया वो सारे उपाय करके भी देख लिए मैंने फिर भी देवरानी लाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये लोग बच्चा इस बार होगा लेकिन तुझे छत पर चढ़ना पड़ेगा ऊपर से कूदना जब मैं बोलूंगा तब एसपी साहब खेल बिगड़ गया बेटा अब तो तू गया काम से सटल बाबा के जीवन के सबसे बड़ा ग्रह एसपी खरेल सिंह ये लोग बाहर कैसे जेलर साहब इन लोगों की रिहाई है आज जेल से रिहाई विदाई दे दीजिए फिर दोबारा लौट कर नहीं आना चाहिए निकालिए नागिन ऐसे तो जान निकल जाएगी चुप दगाओगे तो ही फिर नहीं आओगे लगाइए माचिस बच्चा ये जो डेंजर आदमी आ रहा है बच्चा वो कौन है मेरे चाचा एसपी खरेल सिंह उनकी तो शादी करानी है विवाह के चक्कर में तो श्राद्ध हो गई ए साहब जितना मन करे उतना मार लीजिए लेकिन इस पिछवाड़े पर पटाखा मत लगाइए साहब सीधा खड़ा रहो क्या हो रहा है माँ को छत पे चढ़ाया इन लोगों ने नीचे उतरिए प्लान फेल हो गया अब आपके देवर की शादी नहीं हम लोगों का श्राद्ध होगा अरे पंडित जी सुनिए तो ये लोग नागिन छाप से तो नहीं सुधरे अब इन लोगों को आसमानी पड़ाका लगाना होगा हवलदार यस सर लाइए तो आसमानी यस सर अभी लीजिए कहिए साहब आग लगा के आसमान में छोड़ दूं कहां गायब हो गए अरे ये बाबा लोग कहां गायब हो गए चोर को बाबा कह रही हैं अरे बाप रे बाप अरे ये जो एसपी खरेल है वो जो है यमराज क्या रे भाई ऐसे मेरे पीछे पड़ गया कि सारा धंधा ही चौपट कर दिया रे सही कह रहे हो गुरु ए बच्चा ऐसा है कि ये जो बाबागिरी का धंधा है बहुत खतरनाक है बच्चा और बगैर बाबागिरी के पेट भरना भी मुश्किल है बाबागिरी तो चालू रहेगा लेकिन सोच समझ के वो कैसे वो ऐसे एसपी खरेल सिंह के यहाँ तो दाल नहीं गली यहाँ इनकी दाल गलती है या नहीं घर में तो बाबा है आपको कैसे मालूम बाबा अगम जानी है आगे पीछे ऊपर नीचे सब पता है हम बाबा अटल का चेला शटल और मैं शटल बाबा का चेला डटल बाबा ए मैया बाधा बताओ हम निदान करेंगे बाबा अंदर आइए ना बाबा मैं बताती हूँ आइए 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 मेरा बेटा जिसे बचपन से प्यार करता है उसका नाम पाखी है आइए आइए बाबा जी
इस फ्रेम में पाखी है। गड़बड़ घोटाला, इस फ्रेम में ना तो पाखी है और ना ही राखी है। ना ना, फ्रेम में तो फोटो बाकी है। अरे यही तो सबसे बड़ी बाधा है इस घर की। बचपन से मेरे बेटे निरहू की यही जिद है कि जिस दिन उसे पाखी मिलेगी तभी उसकी फोटो यहाँ लगेगी। माते, ए माते, ओ, तुम्हारा बेटा लवेरिया रोग से ग्रस्त है। दक्षिणा कितना दोगी? अरे पहले मेरा बेटा तो ठीक हो। 5 बीघे तुमको दे दूंगी। ए माते, अब तू देख तेरे बेटे का ये रोग कैसे भागता है। चेला, हाँ गुरुदेव, कमाल भाती। अब बाबा जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इनसे मिलिए, ये है ठगों की सरदार सबसे बड़ी ठगनी मिस रानी। और ये भी बता दूं, ये पहले भी मिल चुके हैं, कहां और कैसे आइए देखते हैं। मिस रानी रानी रानी। अबे देसी दारू के ढक्कन देख के, वरना इतना मारूंगी कि यही ढेर हो जाओगे। ए चला, भाग ले बेटा। उस पटाखे ने तो पिछवाड़ा गरम कर दिया, लेकिन ये एटम बम तो कपार उड़ा देगी। अरे बाप रे, भाग। इनकी तो साले भिकारी, बोनी खराब कर दिया। पर्स में 1 रुपया नहीं है। एक बार बस मिल जाओ मुझे। पैसा तो छोड़ो, पेट से किडनी ना निकाल ली तो मेरा नाम रानी नहीं। ए चला, हाँ गुरुदेव, ऐसा लगता है इसकी चोली में आग लग गई है रे। मारिए बाल्टी से पानी, नहीं तो जल जाएगी। कौन है रे मुझोसा, कौन है? ये हम है महारानी। अच्छा, बेमौसम तुम्हें होली सूझ रही है। सबसे पहले तो भिकारियों, कल के खाली पर्स के पैसे निकालो, वरना मारूंगी। सुनो, बहुत बढ़िया काम की व्यवस्था हुई है। आगे पीछे का हिसाब किताब सब बराबर। काम होने के बाद 5 बीघा जमीन मिलेगी, आधी आधी बांट लेंगे। अच्छा, वैसे काम क्या है? तुमको रानी से पाखी बनना है। एक लड़का पाखी का दीवाना है, कहीं तुझ पर दीवाना हो गया तो घर भर दोनों मिलेगा, चोरी चकारी का धंधा अपन। बाकी तो ठीक है, कहीं वो साधु निकला तो मेरी ये पूरी जवानी पानी बन के बह जाएगी। हमारे रहते तुम्हारी जवानी पानी कैसे बनेगा? ए मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो गलती हो गई। गलती हो गई ठीक है, लेकिन वो पटेगा कैसे? सिंपल, ये शटल बाबा पर छोड़ दो। तू पाखी बनकर सर पर दौड़ना, हम लोग तेरा प्रात कर करके दौड़ेंगे। सुनो, तुम कहना कि निरहू तुम्हारी पाखी की इज्जत खतरे में है, और पाखी का नाम सुनते ही निरहुआ हीरो बनकर एंट्री मारेगा। चालत हम लोग खाएंगे, तुम्हारा प्यार पक्का। पक्का। अच्छा तो देखो, रानी से पाखी का जलवा। ओह, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, हु बेबी डॉल में सोने दी, हु बेबी डॉल में सोने दी। नासिकी अंगूर। हाय 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 हाय, देखा चला, गुलर का फूल और सन्यासिनी के चरण का धूल बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए रानी, भागो भागो, हम लोग तैयार हैं। सच मुझ बचाओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस खाली आइस पाइस। आइस पाइस, आइस पाइस। उतने से नहीं सुधरे तुम लोग। बम निकालो। ये रहा बम। अरे कहाँ गए? उठिए बलम जी, तनी ढीवारी जलाई जी,
क्या हो रहा है? हमरा चोलिया में काथी दोनी गलवा समाई। हे भगवान, आजकल के साधुनी भी ऐसा गाना गाते हैं, क्या जमाना आ गया है। चलो मुझे क्या दम है साले में, फसा लूं इसी को। नहीं नहीं, अपने को तो निरुहा को फसाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है सटल बाबा ने। बड़ा चोलिया में होता गुदु गुदी रे माई, बड़ा चोलिया। छोड़ो मुझे, छोड़ छोड़ो मुझे, छोड़ो। गुदगुदी ज्यादा हो रहा है तो आओ गुदगुदा देता हूँ। इसे गुदगुदाने का सिर्फ निरहु का हक है, क्योंकि ये जवानी मेरी है, तुम्हारी जागीर नहीं। तो बुलाओ ना अपने निरहुआ को। कसम चाकू के धार की, जिसके शरीर में जान होगी वही गुदगुदाएगा तेरी जवानी को। साले अच्छा तो यही है निरुआ, साला बड़ा खतरनाक है। गांव में गुंडागिरी करेगा तो मारूंगा, और मारने के बाद हाथ का भाड़ा भी लूंगा। मार का बदला अगर मैंने नहीं लिया तो मेरा नाम जीवन नहीं। बदला लेने के लिए अपने रगों में अपनी माँ का नहीं शेरनी का दूध डाल के आना। कहे कि हमारी माई हमको शेर नहीं सवा शेर कहती है। बड़ा कस के मजा आई रे, तन और धन दोनों में दम्बा। जियो सटल बाबा, बड़ा दिल वाला दिया। आई लव यू। ए दूर रह के बात करो। देसी मुर्गी बिलायती बोल। देखो ऐसे मत झटको, मैं तुम्हारी पाखी हूँ। बचपन से तुम्हारे सपने देख देख के जवान हुई, और तुम मुझे मुर्गी कह रहे हो। देखो तू मेरी पाखी हो ही नहीं सकती है, और हमने तुझे पाखी समझ के नहीं लड़की समझ के बचाया है। और हमारी पाखी जब आएगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी पाखी हमारे मन में बसती है, और हम दोनों का रिश्ता बचपन का नहीं कई जन्मों का है। जन्म के चक्कर में बुढ़ापा आ जाएगा। देखो जवानी का रस चूसो, एक बार जवानी चली गई ना तो लौट के नहीं आएगी। हाँ हे देवी, इस पाखी के प्रेमी को माफ करो। हाँ? और वैसे भी हमको किसी दूसरे बैंक में जाके कारोबार करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें कहीं कारोबार करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे अपने बैंक में तुम्हें कारोबार करवाने का बहुत शौक है। आई लव यू। अरे जबरदस्ती है क्या? हमर देख पहले से खुलल बाटे, ओही रे बैंक से मर नहिया जुड़ल बाट। जवानी में अकड़ के तू धरती कोड़त बाड़ू, झूठे बेकार लाइन हम पे मारत बाड़ू। इतना में चकपा
बनानी रहुआ के अब ता संभल जा तू पाखी ना हो जल्दी हवा से निकल जा की तोहरा बैंक के नो बनब खाता धारी जाके तू खोज कहीं दोसर कर्मचारी निरहुआ का चेक तो जगह पे जाएगा पाखी के बैंक में मैं तो चला रानी तुम्हारा तो चेक रानी की जगह पर पहुंच गया है अब मैं क्या करूं जीवन सच सच बताओ किसने मारा है नहीं तो गोली सीने के आर पार कर दूंगा चाकू के धार की कसम सरकार वो निरहुआ सरकार अरे पाखी बबी के कोई आंख उठा कर देखे वहां चुप रहना नमक हलाली नहीं नमक हरामी हो जाएगी सरकार और विश्वास नहीं हो तो मुंशी जी से पूछ लीजिए मुनीम जी जी बबुआ जी सही सही बताइए ये गांव में किसका हिम्मत इतना बढ़ गया है कौन हमरा जूता चाटने के बजाय हमने जूते में पांव रखने का हिम्मत किया है कुछ नहीं बबुआ जी कुछ नहीं बात अपनी पाखी बिटिया की नहीं है हम सब पता करके बैठा हूँ गांव में एक लड़का है जिसका बाप नहीं है उसके बाप के पेंशन से बेटा और माँ का खर्चा चलता है और बचपन से ही राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है उसके मन में अटूट विश्वास है कि एक न एक दिन कृष्ण भगवान जैसे उसको अपने मन की राधा जरूर मिल जाएगी बस आ गई अरे साला अरे ये देखो रे अरे आ गई चंपा चमेली मेरा नाम ना चंपा है और ना चमेली मेरा नाम पाखी है पाखी बजा रहे हो अपने पाखी के लिए जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूं और जिसके लिए ये प्रेम का मंडप फूलों से सजा के रखा है प्यार छिपाकर करने वाली चीज है बताकर नहीं छुपा के करने वाला प्यार प्यार नहीं मैडम हवस होता है तुमसे प्यार का मतलब जानने के लिए थप्पड़ नहीं मारा है आज के बाद ये गीत या इस गीत की धुन कहीं भी सुनाई दी तो जान से मार दूंगी मैं बेचैन हो जाती हूँ ये धुन सुन के मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बचपन के प्यार को चाह के भी नहीं भूल पाऊंगा अरे पाखी बिटिया कहाँ चली गई थी मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था अच्छा खेत देखना था तो मुझसे कही होती मैं दिखा देता चलो चलो गाड़ी में बैठो पाखी हमारे बचपन का प्यार हमारी जाने मन आ गई अरे रुको रुको भैया पाखी आ गई भैया प्रणाम भैया खुश रहो तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना नहीं बस एक पागल मिल गया था पागल घबराइए नहीं एक चाटा खींच के दिया उसको
ठीक किया। पर तुम्हें देवी समझकर किसने पूजा है? देखो फूल की पंखड़ी अभी तक तुम्हारे बालों में फंसी हुई है। पूजा करने वाले को पुजाई देकर आई हूँ मैं। अरे शुक्र करिए कि सामान बच गया, नहीं तो मैं ही बदनाम हो जाता। हाँ अब ठेकेदार साहब की बहन के सामान को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत है मुनीम चाचा? मैं आती हूँ भैया। ठीक आती हूँ। मुनीम जी सामान रखवा दीजिए। स्टैचू। वाह भाभी, प्रणाम भाभी। माँ जी देखे तो कौन आई है? बाकी बहुनी आई है। राधा आई है क्या? और सब कैसा है? ठीक है ना? ठीक है ना? एकदम बढ़िया भाभी, एकदम बढ़िया। लेकिन आप लोगों के बिना मेरा मन नहीं लगता था। और तुम्हारे बिना हम लोगों का। चिंटू माँ 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 प्रणाम माँ। खुश रहो। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? अपना चेहरा तो देख, कैसे गाल पिचक गए। खाना वाना वहाँ ठीक से? पहले तुम बताओ बुआ कि तुम शहर से आ रही हो या मंदिर से? लगता है बुआ ने भगवान को नहीं, भगवान ने बुआ को पूजा है। पूजा तो मैंने भी की है, लेकिन हमारी पूजा उस भगवान को हमेशा याद रहेगी। लेकिन पहले तुम ये देखो बुआ, तुम्हारे बालों पे ये तारे चिपके हुए हैं। है कुछ? लगता है देखना ही पड़ेगा। चलो चिंटू माँ, मैं आती हूँ। चलो। बुआ, कहीं तुम्हारी पूजा करने वाला आदमी यही तो नहीं है? तुम्हारी बुआ को पूजने वाले दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं, लेकिन जिसको तुम्हारी बुआ पूजेगी वो लाखों में एक होगा। लेकिन वो एक आदमी कहीं यही तो नहीं है जिसकी हर धुन में बस पाखी 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 ही निकलता है? कहीं इनके बचपन का प्यार पाखी तुम ही तो नहीं? चलो चिंटू। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हो कि वही हमारी पाखी है। चमत्कार कर दीजिए प्रभु, बचपन के प्यार को मिलवा दीजिए, ताकि दुनिया में लोगों को पता चल जाए कि सच्चे मन से चाहने पर इंसान को भगवान भी मिल जाते हैं प्रभु। ना भाभी से कुछ, ना माँ से, लेकिन एक मुल्ला तो मिल ही गया इनको ठगने के लिए। तुम्हें पाखी से मिलने का बच्चा हम तरकीब बताते हैं। गुरुजी ठीक कह रहे हैं। कैसे? पहले पीस निकालो हमारा। पूरे 500। एक मिनट एक मिनट, लेकर भागोगे तो नहीं ना? अरे कोई धोखेबाजी तो नहीं करोगे ना? बच्चा तो सुनो, प्रेम 25 का 3 फार्मूला, और पहला है ये लव लोशन पाउडर। अच्छा, तो तुम लोग मुझे दिमाग से पैदल समझते हो। इस घमौरी वाले पाउडर को लव लोशन वाला पाउडर बता रहे हो। डब्बा पर ध्यान मत दो, अंदर के माल पर ध्यान दो। तुम पाखी का कपड़ा लेकर आओ, हम उस पर लव लोशन पाउडर मार देंगे। कुछ जैसे ही कपड़ा पहनेंगी तुम्हारे दिल की अर्थिंग उसके दिल में, इलेक्ट्रिक का सप्लाई बराबर मिलेगा। ए, कपड़ा आएगा कहाँ से? सुना नहीं है कृष्ण जी प्यार में क्या क्या किए हैं? तुम कपड़ा चुराओ, और इसके बाद जैसे ही कपड़ा चुराओगे ये समझ लो कि तुम्हारा। अरे यार, लेकिन उसके घर में जाना बड़ा डेंजर काम है भाई। घर क्या, मेरे गुरुदेव तो जेल में घुस जाते हैं। बड़ी टेंशन लग रही हो तुम, चलो घर बसाते हैं।
ए, कौन हो तुम लोग और वहाँ कहाँ? दया करिए सरकार, दया करिए। अबे आदमी एक कछुआ का दया करो। ये लोग हमारे मेहरारू हैं, इन लोगों को नौकरी पर रख लीजिए, बड़ी परेशानी है। ये लोग तेरा मेहरारू है? हाँ मालिक। कहाँ घर हुआ? जनकपुर मालिक। कौन है, चोरी चकारी का चक्कर तो नहीं है? एकदम नहीं सरकार, ये लोग अंदर तक काम करेंगे, मैं बाहर का काम करूँगा। मतलब? गोबर पानी। अच्छा अच्छा, का नाम है ये लोग का? नाम बताओ तुम लोग। हमारा नाम है रसीली। और मेरा नाम रंगीली। नाम तो बड़ा टंच है। ठीक है ठीक है, अंदर जाओ, माँ काम समझा देंगी। चल। मकड़ी काटी, मकड़ी ऊपर, मकड़ी नीचे, मकड़ी दाएं, मकड़ी बाएं। आप लोग कौन और आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम? हम लोग यहाँ काम करने आए हैं। और ठेकेदार साहब बोले हैं जाके पाखी से सब काम समझ लेना। एक मिनट बुआ, मुझे तो ये दोनों पूरे नहीं आधे लग रहे हैं। मैं तो कृष्ण लीला में लड़की बना था और तुम प्रेम लीला में लड़की बन गए। अरे ये लोग तुम्हें बेशक ना पहचाने, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। लगे रहो राजा जी, मामला एक दिन पट ही जाएगा। आधा में क्या बाधा है, हम लोग तो यहाँ काम करने आए हैं। देखती क्या हो, बुकवा लगा दो ना भौजाई को। और तुम क्या करोगी? वो पुराने लोगों को लगाती है और मैं नए लोगों को लगाती हूँ। सच हो बबनी, करवा लो मालिश, शरीर का सारा थकावट दूर हो जाएगी। हाँ। अच्छा बहू, अब रहने दो, बहुत हुआ। अरे बेटी करवा ले, शरीर की थकान दूर हो जाएगी, करवा ले। ए रंगीली, खड़ी खड़ी क्या देखती हो, एकदम गधी हो क्या? लगा दो बकवा भौजाई को। अरे रुकना, कब से बड़बड़ करिए, लगा रही हो ना। ए चिंटू, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? अब बात मेरे ख्याल से बाहर चली गई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो। हाँ। आ जाओ हमारे कमरे में, चलो। हाँ? तनी आराम से, बड़े नाजुक है रे। तुमसे नाजुक थोड़ी ना है। अरे छोड़, लगावे के गोर में, लगावे तारू अच्छा के छोर में। कैसे करोगी मालिश? कैसे करूंगी, अरे जैसे की जाती है वैसे और कैसे करूंगी। अच्छा एक काम करो, अब जल्दी से पूरे कपड़े उतार दो। पहले आंखें बंद करो, मुझे कपड़े उतारने में शर्म आएगी। शर्म आएगी? अरे आंख बंद करूंगी तो मालिश कैसे करूंगी। और एक बात बताओ, इसमें लाज की क्या बात है? अरे जो सामान तुम्हारे पास है वही सामान मेरे भी पास है। अच्छा तुम मालिश करती जाओ और मैं एक एक कपड़ा उतारूंगी। हाँ ठीक है चलो। ये क्या, तुम्हारा हाथ इतना कड़ा और भारी कैसे? वो मालिश वालिश करने से। नहीं समझी? अरे ऐसे समझ में नहीं आया तो कहो तो खुल के बताओ। बताओ। हम आए सन, हम आए सन लगाए बत्तू, हो जाए बारे जिंदगी भमा के करुआते। हम आए सन, हम आए सन लगाए बत्तू।
हम लगाइब इनन दो हो जय बुरेल जिंदगी भर महकी करुआ तेल। देख लिया ना, बोली थी ना, जब ये गाती है तो कल्पना के जैसे आवाज निकालती है और जब ये बोलती है तो नीरवा के जैसे बोलती है। क्या रे, काम हो गई? हो गया। अच्छा आशा, काम हो गया तो हम लोग कल आएंगे। अच्छा ठीक, चलो ठीक। अरे जरा तुम लोग रुक तो जाओ। हाँ? अरे बेटी, तू तो बहुत अच्छा गाना गाती है, मेरा दिल खुश हो गया। मैं तुझे इनाम देना चाहती हूँ, बोल क्या चाहिए। पाखी, राधा। ये जो है राधा कृष्ण की फोटो की बड़ी पुजारिन है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। ये ले फोटो। गाना तो मुझे भी अच्छा लगा है, मेरी तरफ से एक इनाम है, ले लीजिए, पसंद आएगा। क्यों नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है और भगवान को प्यार पसंद है, हमेशा करते रहिए। चल चलो। बहुत ही हसमुख लड़कियां हैं दोनों। अब बैठे ही रहोगे या कपड़े भी निकालोगे? मसलील बच्चा, तुझसे नहीं उससे कहा, तुम निकालो। लो। अरे रे, सही जगह हाथ मारे गुरु। ये किस जगह पहना जाता है रे? कपड़े पे ध्यान दो, जगह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। ये लो, डाल दिया, लव लोशन डाल दिया। लेकिन अब आगे क्या करना है? अब ये कपड़ा किसी भी तरह से लड़की के बदन तक पहुंचना चाहिए। ए सुनो, ये चोर जैसे क्यों चलते हो? कहीं चोरी करने जा रहे हो क्या? ज्यादा दिमाग खराब मत करो, चोरी करने जा रहे हो देखते नहीं हो? कपड़ा पहुंचाने की तरकीब खोज रहा हूँ। ए वो देखो, तुम्हारी सोन चिड़िया की खिड़की खुली हुई है, आजा बेटा। एक बात बताओ, इस पे चढ़ेगा कौन? वो चढ़ेगा जिसे प्यार करना है। अच्छा तो ये प्लान चेंज करो, चोर समझ के काट डालेंगे साले। प्यार किया तो डरना क्या? धीरे धीरे बोल चेले, सब जाग जाएंगे। ससुरा इतना धीरे भी मत बोल कि उसको सुनाई ना पड़े। प्यार किया तो डरना क्या? आशिक बोले तो चोर, दिल चुराए चाहे कपड़ा। हाँ, एक काम करो, फटाक से आकर चढ़ जाओ। आओ आओ। कहाँ जा ससुर, मर जाओगे। आ जाओ चढ़ जाओ, आ जा आ जा आ जा। हाँ संभाल के। अरे बहादुर, शाबाश, ऊपर चढ़ जाओ। अब क्या करें? एक मिनट। अरे छोटुआ। हाँ गुरुदेव। अबे ससुर, यंत्र निकाल, यंत्र निकाल जल्दी। हाँ, अरे गुदगुदी लग रही है रे। ये लो। ये इसका क्या करें हम? पहन लो। अरे भगवान का नाम लेकर फेंको, अगर प्यार सच्चा होगा तो पहुंच जाएगा अपनी जगह पर। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कृष्ण हो लोग जागर। अरे कंधे पर चढ़ के पूरा हनुमान चालीसा पड़ेगा कि फेंकेगा भी? अरे फेंक जल्दी, मुझे मारेगा क्या? अरे बाप रे। अरे 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 भाग चलो यहाँ से। कौन था बुआ? चोर क्या? अरे भाग जल्दी यहाँ से, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। चोर नहीं, दिल चोर कहो, वरना अंदर के कपड़े बाहर से नहीं फेंकते लोग। धत, चल सो जा।
अकेला। अरे ससुरा इसके प्यार के चक्कर में कमर का कबाड़ा बन गया रे। गुरुदेव अगर ठीक कर दूं अच्छा। तो 1000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, दवा असर करेगी और काम भी बन जाएगा। आगे का प्रोग्राम क्या है? प्रेम 25 का अंतिम फार्मूला। कल सुबह सुबह मेरे साथ चलो, हाथ में गुलाब का फूल लो और कह दो आई लव यू। बहुत डेंजर है भाई। अरे फिकर मत करो, मेरे गुरुदेव की दवा एंटीबायोटिक से तेज असर करती है। और अगर ये फार्मूला बेअसर हो गया तो समझ लो कि प्रेम 25 की दुकान बंद। बस सोचो कि पाकी मिलेगी कहाँ। अरे बुला तो लूंगा लेकिन आने के बाद बोलूंगा क्या? अच्छा आज बता दूंगा तो रात में नहीं आएगी। एक काम करो, घर जाओ और कपाल भाति मार कर सो जाओ, सवेरे बताऊंगा। जाओ ए चला, दे दो इनको और हमको अलोम विलोम करने दो। अरे बाबा आ गई वो, बाकी बड़े गुस्से में दिख रही है। एक काम करते हैं, आज चलो लौट चलते हैं। डरपोक कहीं का? बाबा शकलदास की कंठी पहन के डर रहे हो? गुलाब देकर आई लव यू बोल दो। ला। जा। क्या उस्ताद, क्या हो गया? फिर कभी, आज हिम्मत नहीं हो रही है। समझ गया, डरा कर प्यार नहीं किया जाता। दरअसल ये बाल तुम्हारे नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में है। गिदर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ए पाखी। क्या है? आई लव यू। क्या कहा? I love you. दोबारा ऐसी हरकत की ना तो जान से मार दूंगी। चलो चिंटू। अरे क्या बाबा सटलदास? गुरु कंठी के करामात ने काम नहीं किया क्या? अरे कंठी की करामात नहीं, वो क्या है ना कि पहली बार ये दवा फेल हो गई। वो तुम्हारे दवा से नहीं, हमारे तेवर से आके सटेगी। ए बच्चा बड़ा डेंजर माल है, जरा संभाल कर। तुम चिंता मत करो, तुम खाली देखते जाओ उसे कैसे मैं सटाता हूँ। तू क्या चढ़ाता है, तुम लोग खाली देखते जाओ। अरे जरा तेवर तो देख लो हमारे। अरे सुन, निरहुआ के बाद चिंटुआ हीरो, चलो हमारे साथ हो। तो भाला चलावा चाहे गोली चलावा, ए हो भाला चलावा चाहे गोली चलावा, भाला चलावा चाहे गोली चलावा। डरब न तनिको बुझाता कि ना, बुझाता कि ना, बुझाता बताबो ए गोरी हमरा लभ गे गोली। अरे अभियो से सही सही जाता कि ना, बताबो ए गोरी हमरा लभ गे गोली। अरे अभियो से सही सही जाता कि ना। तोहरे से नैना मोहरा भइल बावे चार हो, कैसे निकाली बोलाए रानी दिल से तोहर प्यार हो। अरे बोला ना ए हो, तोहरे से नैना मोरा भइल बावे चार हो, कैसे निकाली बोलाए रानी दिल से तोहर प्यार हो। चाहे जियावा चाहे हमके मुआवा, चाहे जियावा चाहे हमके मुआवा, पीछा न छोड़ब बुझाता कि ना, बुझाता कि ना, अरे बुझाता कि ना। बताबो ए गोरी हमरा लभ के ई गोली। अरे
कभी उसे सही सही जाता कि ना बताओ है ये बोली हमरा लव के ही बोली यारे अभी उसे सही सही जाता कि ना धमकी से इनका तू तनिको नहीं दे रही हा मंगिया सा जाके इनकर फूफा हमार बन जई हा अखिया में ताकत नी दिलावा में झाको अखिया में ताकत नी दिलावा में झाको जिया रा तो हर जुड़ाता किना जुड़ाता किना जुड़ाता किना बताओ है ये गोरी हमरा लव के ई गोली यारे अभी उसे सही सही जाता कि ना बताओ है ये गोरी हमरा लव के ई गोली यारे अभी उसे सही सही जाता कि ना क्या चाहते हो तुम्हारा प्यार मर्द की औलाद हो तो यही रुको ऐसा प्यार दूंगी कि सात जन्मों तक प्यार करने की हिम्मत नहीं करोगे निकल चलो चेला माल बड़ा जानलेवा है अब जान जाए चाहे प्राण यहां से जाऊंगा तो दिल लेके नहीं तो अपनी जान देके खबरदार जो मेरे साथ आए तो आज तुम्हें रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर दूंगी ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी हाँ? चेला ये गुलाब वाली कन्या तो नहीं लग रही है कोई बंदूक वाली कन्या आ रही है बंदूक अरे भाग ले बाबा नहीं तो भुना जाएंगे भाग ले बाबा चल भी भाग ले नहीं तो जान चली जाएगी भाग ले भाग जल्दी अरे भाग जान बचा जल्दी भाग और कहां तक भागेगा मारो गोली मर गया तो दीवाना कहलाऊंगा लेकिन अगर बच गया तो तुम्हारा सुहाग बन के दिखाऊंगा मेरे सुहाग का फैसला ना आदमी करेगा और ना भगवान मैं खुद करूंगी मरने से पहले उसका नाम ले लो जिसे तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हो पाखे पाखे और सिर्फ पाखे अब फैसला करने की बारी हमारी है खबरदार मेरे सुहाग बनने का सपना तुम्हें मौत की गद्दी पर बैठा देगा लेकिन निरहू के मरे हड्डी से सिर्फ एक ही आवाज आएगी पाखी 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 नहीं।
खबरदार, मेरे सुहाग बनने का सपना तुम्हें मौत की गद्दी पर बैठा देगा। लेकिन निरहू के मरे हड्डी से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, पाखी पाखी पाखी। हमें तुम्हारे मांग पे नहीं, तुम्हारे दिल पे राज करना है हमें। जब यकीन हो जाए तो आ जाना, तुम्हें अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा। एक बार निरहू का प्यार स्वीकार कर लो, ताकि कलयुग में भी राधा किशन की जोड़ी बन जाए। और अगर निरहू के प्यार में धोखा हुआ तो निरहू से पहले मैं जान दे दूंगा। उनकी हर सांस में बस तुम्हारा नाम है बुआ। तुम्हारे लिए कोई जी तो सकता है, लेकिन जान निरहू के अलावा कोई नहीं देगा। तुमको चाहने वाला दिल तो मिलेगा, लेकिन निरहू के जैसा दिलदार नहीं मिलेगा। प्यार करने वाला आदमी एक बार मिलता है, बार बार नहीं। तुम्हारे रूप की पूजा करने वाले तो लाखों लोग मिलेंगे, पर उस पूजा के ऊपर पवित्रता के फूल तभी खिलेंगे जब निरहू का प्यार पाखी स्वीकार करेगी। भैया बधाई हो, पाखी बबी की शादी की तैयारी कीजिए। किसके साथ? अरे उस निरहुआ के साथ। साला कुत्ता। अरे मैंने दोनों को एक साथ देखा है, अब अपनी आंखों से, बंदूक से डरूंगा नहीं, चाहे मार दीजिए। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, ऐसा मारूंगा कि मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लोगे। एकदम सरकार, आपकी इज्जत से बढ़कर मेरी जान नहीं है। अजय, अरे लेके आओ साला निरहुआ के। जी भैया। का रे केकर औलाद है रे तू, मजनू के रांझा के बेटा? तो अपने माँ बाप का हूं, लेकिन प्यार तेरे बहन का। भरोसा ना हो तो बुला के पूछ ले। इतना मारो इस साले को, किसका प्योर इसके शरीर से पसीना ना खून बन के बह जाए। बस एक बूंद खून बचना नहीं चाहिए ठेकेदार साहब, नहीं तो वह खून तेरे बहन के मांग का सिंदूर बन जाएगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। नहीं, नहीं। माँ, रोको भैया को, रोको भैया को।
कहीं तो अगर मैं आगे बढ़ गई ना तो भैया पे नहीं पूरे परिवार पे भारी पड़ जाऊंगी। बेटी अब ऐसा करके तुझे क्या मिलने वाला है, घर की बात तो सड़क पे आ ही गई है। ये नहीं उठेगा यहाँ से, इसका अर्थ ही उठेगा। निरहु, उठो निरहु, उठो निरहु, निरहु। चल अब ये नहीं उठेगा, चल। अरे चल, अब ये नहीं उठेगा, चल। अरे चल रे। निरहु, उठो निरहु। आज तुम्हें अपनी पाखी की कसम, उठो निरहु। आज अगर तुम नहीं उठे तो मैं सोचूंगी कि मैंने प्यार किसी मर्द से नहीं, ना मर्द से किया है। उठो निरहु। ए साला, अरे छोड़ इसका हाथ, अरे छोड़, अरे छोड़ इसका हाथ, छोड़। ये तो था निरहुआ स्टाइल, अब जरा हीरो स्टाइल में हो जाए। पहली गलती माफ किया ठेकेदार साहब, चाहता तो पहले ही गोली मार देता, लेकिन सारी दुनिया की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, और अब अगर मेरी पाखी को कुछ हुआ तो ऐसा मारूंगा कि सात जन्मों तक बुझाएगा नहीं, खाली दुखाएगा। कांवार लूटे, समझाना पड़ेगा। पाखी, प्यार, ओहदा और हैसियत देख के होता है। वो प्यार नहीं, सौदा होता है भैया। तोहार भाई ऐसा सौदागर है जौन सौदा भी मकान और दुकान देख के करता है।
तो मेरी भी एक बात याद रखना भैया, प्यार मकान दुकान नहीं इंसान देखता है। और अब मेरा प्यार मेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों है। बहन की जगह अगर बेटी होती तो सीधे गोली मार देते। मार दो मुझे। लेकिन एक बात याद रखना भैया, मरने के बाद भी चीख नहीं, मेरी जुबान से सिर्फ निरहू का नाम निकलेगा, सिर्फ निरहू का। ना, चीख तुम्हारी नहीं, तुम्हारे यार का निकालूंगा। ऐसा चीख कि देखने वालों के मन का प्यार पानी का धार बन के बह जाएगा। सतर्क रहना, क्योंकि प्यार की धार तलवार की धार से भी तेज होती है। बबुआ जी, अरे जवान बहन पे कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? तो समझाइए इसको कि मेरी ताकत को ना आजमाए। अब मैं दिखाऊंगा तुझको अपनी ताकत, कि मेरी तलवार में ज्यादा धार है कि तेरे प्यार में। आ जाए। जी भैया। गांव, बाजार, जिला, जवार, शहर, जहां भी रिश्ता मिले ढूंढो, और चाहे कुछ भी हो, इसकी शादी अब होके रहेगी, ढूंढो। भैया मेरी शादी कराना चाहते हैं। पाखी, शादी विवाह जीना मरना सब भगवान के हाथ में है। मेरे भैया अपनी जिद पूरी करने के लिए भगवान से भी लड़ जाएंगे। भगवान से तो तुम्हारे भैया शायद एक बार जीत भी जाएं, लेकिन तुम्हारे निरहू से नहीं जीतेंगे, क्योंकि अपने प्यार के लिए चांद दे सकता हूं, लेकिन अपने प्यार को हारना नहीं दूंगा। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं निरहू, भले जी नहीं पाऊं पर मरने से पीछे नहीं हटूंगी। चांद कह के तुझ में दाग लगाएगा कौन, सूरज कह के तुझ में आग लगाएगा कौन, पलट दूंगा रुख तकदीर का, देखता हूं मुझसे छीन कर तुझे ले जाएगा कौन। हमें तो चाची बहुत पसंद है चाचा, तुम्हारा क्या विचार है? अरे विचार क्या चार डाल, रिश्ता एकदम पक्का। हाँ तो पाकी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? बीए तक। सुनो जी, इसकी आंख टेढ़ी लग रही है। आंखें देखने की कोई जरूरत नहीं है, चेहरा देखिए, चेहरा। अरे देखिए ना, घर गृहस्थी का काम काज आता है ना। बहुत परीक्षा होगी, मुझे तो लड़की पसंद है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूँगा। क्यों देवर जी, लड़की तुम्हें पसंद है कि नहीं? जब आप लोगों को लड़की पसंद है तो मुझे भला क्या इतराज हो सकता है। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं, हमें ये रिश्ता पसंद है। प्रणाम। खुश रहो। पाखी, इतनी रात को यहां? जब आदमी का भरोसा टूटता है तो दिल की बेचैनी रात दिन नहीं देखती। अब तो शादी की तारीख भी तय हो गई, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बेटा, पाखी को मेरे घर की बहू बना दे, मैं समझूंगी कि मैंने चारों धाम कर लिए। माई, ये तोहरे घर की ही बहू बनेगी, लेकिन अभी इनको इनके घर पहुंचाने दो, नहीं तो दुनिया कहेगी दिखा के नहीं हमने भगा के शादी किया है। ठीक है, आओ। खुश रहो, संभाल के जाना।
माँ जी। हाँ, आप क्यों रो रही हो? आपकी नीरू की पाखी तो बहुत सुंदर है। पता नहीं ये सुंदरता मेरे घर की बहू बनेगी कि नहीं। मेरा दिल कहता है बनेगी। भले ही आपका नीरू मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उनको उनके प्यार से मिला के ये साबित कर दूंगी कि मुझसे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। हाँ, से मिलने एक आदमी आया है। चला साहब, ये रहे। जा। नमस्ते। नमस्ते। हमें आपसे कुछ कहना है। बताओ क्या बात है। एसपी साहब, पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारी बात एसपी बन के नहीं, एक आम आदमी बन के सुनेंगे। अरे बेहिचक बोलो, क्या बात है।
इस गरीब की एक बहुत कीमती चीज आपके पास आ गई है, जिसके बिना हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। पाखी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गरीब जानकर मेहरबानी की और तुमने सीधा मेरी जान पर हाथ डाल दिया। वो पहले हमारी जान है साहब, आपकी जान बाद में। अगर बात गलत निकली तो अपनी जान निकाल के आपके कदमों में रख दूंगा। तुम्हारे जान से कहीं कीमती हमारी शान है। ठीक है, लेकिन इसका फैसला सिर्फ पाखी करेगी और कोई नहीं। तो ठीक है, फैसला अभी हो जाएगा। चलो बैठो गाड़ी में। क्या ठेकेदार साहब, दलाली तो ठेका पर चलता है, आप तो रिश्ते पे ही चलाने लगे। मैं ठेकेदार कम रंगदार ज्यादा हूं खरेल बाबू, रिश्तेदारी के वजह से चुप हूं। नहीं तो मुझे ललकारने वाले का शरीर अभी तक सब्जियों की तरह कट जाती। पुलिस या रुबाब छोड़िए, काम की बात कीजिए। शादी किसी और से, प्यार किसी और से, अपनी बहन को दो हिस्सों में बांटोगे कैसे? वो आदमी का नाम बताइए जौन हमरा जमीन में ना हमारी बहन में हिस्सा लेने का दावा किया है। ना हम क्या, बुला ही देता हूं। निरहो, पर सोच लीजिए, कमर के ऊपर किसको दीजिएगा और कमर के नीचे किसको? खरेल बाबू, चिल्लाइए मत। हमारे घर की शान और शौकत आपके घर से कहीं ऊंचा है। अपनी बहन को बुलाकर पूछिए कि निरहू से उनका क्या रिश्ता है। हाँ एसपी साहब। ए, तुम मेरी बहन पर दावा करके अपनी जिंदगी तुम दांव पर लगा दिए हो। अरे हट! सीधे सीधे मान जा, नहीं तो दवा लेने का मौका नहीं दूंगा। ए, एक मिनट, अजय ना, मैं भी पाखी को लेकर आता हूं। इनका दावा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, क्या आप भी करती हैं? प्यार हैसियत और औकात देख के होता है। पाखी, पाखी नहीं, पाखी जी कहो। मेरे सवाल का जवाब मिल गया, अब आप जाइए। कुछ बोलकर अपने प्यार का अपमान नहीं करेंगे हम, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक जन्म नहीं 10 जन्म में हमने तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा करेंगे। फिर कभी इस जन्म में प्यार का दावा किया तो ठेकेदार साहब से पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसे मारना था वो तो मार के चले गए, अब क्या मारोगे आप? ए, कह देना ठेकेदार साहब से, बेटी बहन की इज्जत की हिफाजत अगर नहीं कर सकते तो फ्री का प्रोटेक्शन भेज देता हूं, टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत तकलीफ दिया तूने मुझे, मारो इस साले को। इसका जान की कीमत 50 लाख रुपया। और मेरी जान की कीमत क्या है बाबूजी? मुझे पता है बाबूजी, निरहू को छोड़ दीजिए, वरना मैं भी दिखा दूंगा कि मैं आपका ही खून हूं। छोड़ बेटा, देख बेटा, गोली चल जाएगी, बेटा गोली चल जाएगी, छोड़ दे, मान जा बेटा।
कह देना अपनी बुआ से कि उनके प्यार ने हमें जिंदा लाश बना दिया। ससुरवा नैहर के यार बिसराए के चल चल।
सत्य कभी दुख और आंसू की धार से झूठ नहीं होता। ये दुख और आंसू तुम्हारी बुआ की वजह से ही मिला है चिंटू। ये है मेरी बुआ की मजबूरी की दास्तान। यकीन आ जाए तो मेरी बुआ को तुम्हारे पैगाम का इंतजार रहेगा। चलता हूं, प्रणाम। निरहु, मजबूरी मेरी जान की नहीं थी, वरना अपनी जान देकर भी बात के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। हमारे प्यार की जीत ही माँ जी के सपनों को सच करेगी। आपकी पाखी मरने से पहले और मरने के बाद भी। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अभी दरवाजा पर बैंड बाजा का आवाज सुनाई देगा, कोई मरा हुआ कुत्ता का चीख नहीं। शेर को कुत्ता समझने की भूल मत करना। झपट्टा मार देगा तो चीख निकलने से पहले जान निकल जाएगी। आराम से, आराम से। मरा हुआ आदमी पर गोली चलाकर अपनी गोली बर्बाद मत करो बाबू। बेचारा माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और मोहब्बत की गर्मी ने तुझे मेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। मोहब्बत की गर्मी नहीं, माँ को दिया हुआ वादा। सर झुका के मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो तेरे कलेजे पे चढ़ के तेरे बहन के साथ सात फेरे लेके उसे अपनी माँ की बहू बनाऊंगा। मेरे कलेजे को अपने बाबूजी के वसीयत में मिला हुआ जमीन समझ रहा है ना? तेरे बाप का दिया हुआ दहेज और अकड़ेगा तो खेती शुरू कर दूंगा। फसल तेरी बहन उगाएगी और कटाई हमारे बेटे करेंगे। ऐ साला, चिल्लाएगा तो यही ठोक दूंगा। हमारी जमानत तुम्हारी बहन करा लेगी, लेकिन तेरे जिस्म से प्राण निकल गया तो तेरे मरे बाप का बाप भी वापस नहीं ला सकेगा। तुझको मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा। अगर पाखी की टोली का कहार तुझे नहीं बनाया ना, तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। ए! दुनिया के किसी कोने में अपनी बहन का मंडप बना ले, तेरी बहन की टोली का कहार नहीं, अगर तेरे बाप का दामाद बन के नहीं दिखाया तो हम भी अपने बाप के बेटे नहीं। ना जय ना, ये मर गया तो राधा की डोली का एक कहार कम हो जाएगा, इसका जिंदा रहना जरूरी है। ठेकेदार साहब, अब आप आराम से शादी की तैयारी कीजिए। आपकी मुसीबत अब मेरी मुसीबत है, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर तो आज की शाम लौंडिया के नाम। में गए
पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचे स्वस्तिना इन्द्रो बृहस्पतयः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्कारक्षो अरिष्टनेभिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्ये मां नीरव पुपा, नीरव पुपा। अरे चिंटू, क्या बात है? पहले बैठिए, बताता हूँ। बाबूजी और चाचा को जो पसंद है उन्हें वो तिलक चढ़ाने गए हैं, और मुझे माँ दादी को जो पसंद है उसे मैं तिलक चढ़ाऊंगा। माँ और दादी की तरफ से ससुराल का पहला नेग, सारी व्यवस्था रहेगी, बस दूल्हा बन के आ जाएगा। अपनी बुआ से कहना बारात आए चाहे नहीं आए, हम दूल्हा बन के जरूर आएंगे। संभल के जाना। हेलो, क्या? क्या बात है खरियल जी? मुझे अर्जेंट जाना होगा। कमिश्नर साहब का फोन था। रुक जाओ, कमिश्नर हो या कलेक्टर, पहले मंगनी की रस्म को पूरा करो। यूं बीच में उठकर नहीं जाने दूंगी। अजय, तिलक चढ़ने के बाद निरहुआ को मजा चखाना ही पड़ेगा। ए निरहुआ, बाहर निकल, हमारी बहन का तिलक चढ़ गया है। मिठाई खाकर शांत हो जा, नहीं तो तेरी बलि देकर बहन का विवाह करूंगा। तिलक तो हमारा भी चढ़ा है, विश्वास ना हो तो लड्डू का रंग मिला के देख लो। लो, तेरी बहन से शादी तो हम ही करेंगे, प्यार से आशीर्वाद दे देना, नहीं तो शादी के बाद हम तेरी बलि चढ़ा देंगे। अरे बबुआ जी, ना ना ना, अरे ये मुंह और मसूर की दाल है, दीवाना हो गया है बबुआ जी। अगर यही हालत रहा तो पागल हो जाएगा और रोड पे भटकते फिरेगा। चलिए चलिए बबुआ जी, चलिए। साला खुद ही मर जाएगा पगला करके। ए ड्राइवर, गाड़ी जल्दी से निकालो। ये सारा काम चिंटू का लगता है, चल रहे। आई, हाँ? आई चिंटुआ कहाँ है? दिख नहीं रहा है, बीमार पड़ा है, सलाइन चढ़ा हुआ है। अजय जी भैया, घर के भेदी लंका ढाए, बाहर से ज्यादा अंदर नजर रख। एसपी साहब का फोन लगाओ। निरहु कहां रहता है? क्यों खोज रहे हो? क्यों रे, अभी तक मोहब्बत का भूत नहीं उतरा?
भूत उतर जाता तो तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा नहीं रहता। सीना ज्यादा मत फुलाओ, तुमसे ज्यादा ऊंचा पाखी का सीना है। एएसपी! हमारे बारे में कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त है, अगर हमारे पाखी के बारे में कुछ कहा तो भूल जाऊंगा कि तुम एसपी हो। मुझे तो भुला जाओगे लेकिन अपने प्यार को कैसे भुलाओगे? अरे प्यार मोहब्बत तो तुमने किया, गोदी में मैं बैठाऊंगा। सुहाग रात का सपना तुम देखो और पाखी के कपड़े मैं उतारूंगा। वर्दी, वर्दी की कदर कर रहा हूं, नहीं तो तुझे इतना मार मारता कि तेरी सारी गर्मी उतार देता। मारो, वर्दी उतर गया है, अब तुम्हारा कपड़ा नहीं तुम्हारा चड्डी उतार के मारूंगा, बाद में पाखी के कपड़े। ठेकेदार साहब के यहां गुंडागर्दी करोगे? इसको इतना मारिए तिवारी जी कि इसकी सारी दीवानगी पैंट के पिछवाड़े से निकल जाए। अगर बच गया तो तुझे इस हरकत के बदले उस हरकत का तोहफा दूंगा कि हारे हुए गधे को भी शान से सलामी ठोकोगे। पहले पुलिस की सलामी का मतलब तो समझ लो, फिर मुझे समझाना। लगता है इस बेचारी को किसी ने ठोकर मार दिया। सांसें तो चल रही है, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। अरे क्या हुआ, रो कह रही हो? मेरी माँ कहती है कि अगर मर्द औरत को गोद में उठा ले तो पेट में बच्चा रह जाता है। चलो मेरे साथ शादी रचाओ, वरना मैं सबको चिल्ला के कह दूंगी कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके बाप तुम हो। का? मुझे गोद में उठाने से तुम्हारे पेट में बच्चा हो गया? अगर मर्द होगा तो हो जाएगा और ना मर्द होगा तो नहीं होगा। ठीक है, मैं मऊगा हूँ, अब तो जाने दो महारानी।
तिवारी जी, इसको बंद कीजिए। रात भर के मच्छर कटाई के बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पेट में मर्द का बच्चा है कि मौगा का। चल छोड़ो, मच्छर से कटवा दो चाहे सांप से कटवा दो, बाकी मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। हाँ सर, अगर इसकी बात ठेकेदार साहब के कान तक पहुँच गयी तो ये शादी तो होने से रही रह जाएगी। पहरा तगड़ा कीजिए, इसका जमानत ब्याह के बाद होगा। एसपी जी लौट जाइए, शादी में तो दुल्हन मिलेगी नहीं पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ जमानत जब्त हो जाए तो सब्र कर लूंगा, कहे कि ब्याह शरीफ लड़की से तय हुआ है, चोरनी से नहीं। हाँ ओए एसपी जी, चोरनी कह के बड़ी गलती कर दी आपने, वो भी बिना दिल चुराए। अब तो आपकी जवानी को अपने प्रेम की कहानी नहीं बनाई ना तो रानी की जवानी जवानी नहीं बरसात का बहा पानी हो जाएगा। हाँ बारात आ गई। लेकिन तुम्हारा निरहुआ नहीं आया, अब क्या?
मटिया तेल छिड़क कर जलेगी, जहर खाकर मरेगी या गोली? मरना होता तो दुल्हन का जोड़ा नहीं पहनती, डोली में बैठकर अपने दीवाने के घर जाऊंगी। ख्वाब, तोरा ये ख्वाब कब्बो पूरा नहीं होगा। बाहर जाओ और घेरा मजबूत कर लो, क्योंकि मेरा निरहुआ अब आ चुका है। मुझे यहां से ले जाने। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे तेरी तो ठेकेदार साहब, लड़की बदल के धोखा देने का मतलब क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। अजय, घूंघट उठा के देख, घूंघट उठा के देख, कौन लड़की इसके अंदर? रुको, घूंघट भाई नहीं, मैं खुद ही उठाऊंगी। और खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो। अब मैं एसपी की बीवी हूँ, सबको अंदर करवा दूंगी। मांग में सिंदूर पड़ चुका है। अंदर बाहर नहीं, सीधा से बता दे, पाखी की जगह शादी के जोड़े में तू कैसे? नहीं तो इतना गोली मारूंगा ना कि सात जन्म तक
सुहागन बनने का सपना भी नहीं देखेगी तू। अभागा के मुंह से सुहाग शब्द अच्छा नहीं लगता। प्यार करने वाले भागते नहीं बल्कि प्यार के खिलाफ जाने वालों के छाती पे चढ़ के फेरे लेते हैं। और हाँ बाबूजी, बुआ के फेरे छत पे हो रहे हैं। अंदर बाहर नहीं, सीधा से बता दे आखिर निरहुआ जेल से छुटा कैसे, नहीं तो इतना गोली मारूंगा ना। जानना चाहते हो निरहुआ जेल से कैसे छुटा, तो सुनो। ए तिवारी जी, क्या है? हरियाली देखी है आपने? इतना दिल कर रहा है तो दिखा दे। दिखाओ ना। देखो। अरे दिखाओ ना जल्दी, कोई आ जाएगा। हरियाली देखेगा साला। दिल वाले प्यार के खिलाफ जाने वालों के छाती पे चढ़ के फेरे लेते हैं, समझे? रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, और वैसे भी बाहर की व्यवस्था से अंदर की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सारी व्यवस्था मैंने ही की है। एक बार प्यार करने वाले का साथ देख के देख लीजिए, गोली बंदूक की जगह लोग दुश्मन को गुलाब चला के मारेंगे। और क्या चाचा, ओ चाची से मस्त ई चाची है। हाँ खरेल, मांग में सिंदूर पड़ चुका है, और मांग धुल गई तो कुल और खानदान की इज्जत भी धुल जाएगी। बाकी और नीरू को मिला दीजिए, पति नहीं परमेश्वर बनाकर पूजा करूंगी। मान जाइए, बस एक बार उन दोनों को मिला दीजिए। अरे हरिया जोकना लाकन रामुआ, साले को खींच कर नीचे लेके आओ। ए, हट, छोड़ना मत साले को। मारा साले को, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए आज। मार साले को। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कानून भी तुम्हारे साथ है। आज प्यार के साथ साथ कानून का भी परखा चौड़ जाएगा। चलो देख लेते हैं प्यार और कानून उड़ता है कि तुम और तुम्हारे आदमी। बाबा सटलदास, हमारी भी शादी करवा दो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है? नहीं। तुम कुंवारे हो? कपाल भाती मारो। बाबा इससे क्या होगा,
इससे पावर बढ़ता है बच्चा, पावर। यही तो कमजोरी है बाबा। मसलील बच्चा इधर आओ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। आँख बंद करो, आँख बंद करो। पावर पावर पावर। अरे बाबा आ गए और पावर कहाँ गए? अरे कहाँ गए रे? देखो, दिल वाले कभी किसी की जान नहीं लेते। अभी से भी मान जा, नहीं तो मार दूंगा। गोली लगने से तो अपनों को भी वैसे ही दर्द होता है जैसे गैरों को होता है, पर बेटा ये दुनिया जानती है कि प्यार न कभी मिटा है और न कभी मिटेगा। इन दोनों को मिला दे बेटा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। माँ 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 तू ठीक हो जाएगी, माँ तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ माँ मैं ठीक हो जाएगी, माँ। पगले, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। तूने जो गोली मारी थी वो गोली तो नकली है बेटा, चिंटू ने बदल दी थी। इसी औलाद की विनती है बाबूजी, आगे बढ़कर आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर बाबूजी तो कहलाएंगे पर मामा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे ठेकेदार साहब जल्दी करिए, नहीं तो मेरी मेहरारू नैहर भाग जाएगी। बुझाइल भैया, प्यार फॉर्मूला से नहीं दिल से होता है। प्यार को पाने के लिए दिलवाले को भी खतरनाक दिलवाले बनना पड़ता है।